आगे बढ़ते हैं खबरों में। सिद्धू मूसेवाला हत्या मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और पंजाब पुलिस ने ज्वाइंट टीम ने नेपाल बॉर्डर के पास से बदमाश दीपक मुंडी, कपिल पंडित और राजेंद्र को गिरफ्तार किया। दोनों का नाम सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में आया था। शूटर दीपक मुंडी काफी समय से अपने ठिकाने बदल रहा था। दिल्ली पुलिस की टीम लगातार अलग अलग जगह पर दबिश दे रही थी। सिद्धू की हत्या के समय दीपक मुंडी बेलोनो कार चला रहा था। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्या केस के अंदर दिल्ली पुलिस और पंजाब पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन करके नेपाल बॉर्डर के पास से दो शूटर दीपक मुंडी और कपिल पंडित को गिरफ्तार कर लिया। हम आपको बता दें, दीपक मुंडी वही शूटर था जो कि सिद्धू मूसेवाला हत्या केस के अंदर बलैरो गाड़ी को चला रहा था, और कपिल पंडित वही था जिसने इन सारे मामले के अंदर हथियारों का अरेंजमेंट करा के गया था, इन सारे शूटरों को हथियार प्रोवाइड कराए थे। दीपक मुंडी काफ़ी समय से नोएडा और अलग अलग जगह के अंदर अपने ठिकानों को बदल ही जा रहा था, जिसके चलते दिल्ली पुलिस और पंजाब पुलिस जगह जगह छापे मार रही थी। जल्द ही इस मामले को लेकर दिल्ली पुलिस कोई ना कोई खुलासा करेगी और इस पूरे मामले के बारे में बताएगी कि ये दोनों शूटर कहाँ कहाँ छुपे थे और किस किस की मदद से ये अभी तक भाग रहे थे। कैमरामैन बख्शी के साथ मैं लवली बख्शी, नेटवर्क 10 दिल्ली। पंजाबी सिंगर तो पुलिस लगातार छापेमारी कर रही थी। नेपाल बॉर्डर के पास से गिरफ्तार किया गया है ये दोनों आरोपी, जो कि मूसेवाला के हत्यारे हैं। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के समय दीपक मुंडी जो कार था वो ड्राइव कर रहा था। दिल्ली पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही थी काफी समय से। शूटर दीपक मुंडी काफी समय से लगातार अपने ठिकाने बदल रहा था, लेकिन आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गया। रोनित कुमार हमारे सहयोगी। रोनित, ये बड़ी कार्रवाई, ये बड़ी दबिश जो सिद्धू की हत्या के समय दीपक मुंडी जो कार चला रहा था उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जी, मैं बताना चाहूंगा, दिल्ली पुलिस लगातार जो है बहुत अच्छे से काम कर रही है, और ऐसे में ताजा मामला सिद्धू मूसेवाले हत्याकांड के अंदर है, जिसमें स्पेशल सेल की टीम ने, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम ने नेपाल बॉर्डर के पास से दीपक मुंडी और कपिल पंडित और राजेंद्र को पकड़ा। दोनों के नाम सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में शामिल थे, जिसमें मैं बताना चाहूंगा कि दीपक मुंडी काफी समय से अपने ठिकाने बदल रहा था। दिल्ली पुलिस लगातार जो है अलग अलग जगह पर छापेमारी कर रही थी, पर सिद्धू मूसेवाले हत्याकांड के बाद से ही दिल्ली पुलिस लगातार उनको पकड़ने के अंदर प्रयासरत थी, पर काफी समय बाद, काफी मशक्कत के बाद उनको पकड़ा गया। और ऐसे में बड़ी कामयाबी है दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की, जब ये इन्हें पकड़ा गया। दीपक मुंडी बताया जा रहा है कि उस समय पर सिद्धू मूसेवाले कांड के अंदर जो गाड़ी चला रहा था, और दूसरा जो व्यक्ति है कपिल पंडित, बताया जा रहा है कि ये उस समय पर इसने सारे के सारे जो हथियार है उनको मुहैया कराए। तो ऐसे में सोचने वाली बात जरूर है कि इतने बड़े हत्याकांड के बाद से ये लगातार जो है फरार चल रहे थे, और उसके बाद दिल्ली पुलिस लगातार जो छापेमारी कर रही थी, आज बड़ी कामयाबी उन्हें हासिल हुई है, तो ये दिल्ली पुलिस के लिए बहुत अच्छी बात है और अप्रिशिएट करने वाली बात है। क्योंकि बहुत हाई प्रोफाइल मामला था रोनित, और पूरा सनसनी मच गई थी सिद्धू मूसेवाला के इस हत्याकांड को लेकर, एक चुनौती भी थी पुलिस के सामने। बिल्कुल, एक बहुत बड़ी चुनौती जो है सामने नजर आती है, क्योंकि ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हाई प्रोफाइल मामला था, और ऐसे में बिल्कुल सोचने वाली बात जरूर है कि जिसके पास इतनी सिक्योरिटी थी और उस सिक्योरिटी होने के बाद भी जिस तरीके से पूरे कांड को अंजाम दिया गया, तो अपने आप के अंदर एक दिल्ली पुलिस के लिए नाकामयाबी बिल्कुल जरूर थी, साथ में पंजाब पुलिस के लिए भी, क्योंकि इस मामले के अंदर हम देख सकते हैं कि सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के अंदर जिस तरीके से गोलियां चलाई गई थी और जिस तरीके से सारे कांड को अंजाम दिया गया था, अपने आप में बहुत ही शर्मनाक घटना है, और जिसको आज दिल्ली पुलिस ने आज पकड़ा, और आज जो है बड़े गर्व और आम के साथ उन्होंने बहुत एक अच्छा काम किया, और ये भी एक अप्रिशिएट करने वाली बात है स्पेशल सेल के लिए। शुक्रिया आपका रोनित कुमार इस खबर पर जानकारी देने के लिए।